में नहीं आओ, आप असेंबली में मत आओ, हम आप उस एक्टिविटीज में मत जाओ। क्यों नहीं जाएंगे? हम पर्दा करते हैं, इसीलिए हम अपना लिबास कैसे उतार सकते हैं? ये हमारा लिबास है। Yesterday, school authorities did not allow them to enter premises when they were wearing an abaya, which is a full, which covers full body from head to top, and they were also told not to come to the school. कल स्कूल आए, हम लोग को नीचे उतारा, हम लोग को बोला कि आप लोग अबाया ना लगाओ, आप लोग अबाया के नीचे यूनिफॉर्म नहीं लगाते हो, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग अबाया लगाएंगे। इवन मैं अबाया नहीं लगाती थी, अब मैं मुझे टारगेट किया गया कि आप तो अबाया नहीं लगाते थे, लेकिन आपने ऐसे ही अबाया क्यों लगा? मैंने कहा कि जब यहाँ पे सब लगाएंगे गए, इवन अगर मेरे को अबाया लगानी भी होती तो आप लोग मुझे कह रहे हो कि आप अबाया नहीं लगा। अब इन लोगों ने कहा कि आप लोग अबाया के नीचे पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, आप लोग अबाया के नीचे आप लोग कॉलेज जाते हो, वहाँ से पता नहीं क्या क्या करते हो। इवन इनको कुछ भी नहीं पता कि हम लोग अबाया के नीचे क्या करते। ये ज़रूरी नहीं कि कोई अबाया लगाएगा तो वो ख़राब है, कोई पैंट लगाएगा तो वो ख़राब है, कोई अबाया लगाएगा तो वो ठीक है। इन लोग ने हमें गलत ठहरा। अब लोग ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम स्कूल की यूनिफॉर्म लगाते हैं। प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि अबाया ना लगाओ, आप लोग हिजाब लगाओ, आप लोग दरवाजे तक आओ, उसके अंदर आप लोग अबाया वापस निकालो, लेकिन हम लोगों ने उसको वो नहीं माना। हमारे पेरेंट्स भी कल आए थे यही बोलने, इन लोगों ने उसका भी नहीं माना था, तो हम लोग मजबूर हो गए ये सब कुछ करने। हाँ हाँ, अभी इन लोगों ने कहा कि हम लोग स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म निकाल लें। सुबह इन लोगों ने हमें एलो नहीं किया, इन लोगों ने बोला अगर आपको अबाया लगा के तो हम आपको एलो नहीं करेंगे स्कूल के अंदर। फिर जब हमने मीडिया वाले आए वगैरह आए, पुलिस आया, फिर अब इन लोगों ने फाइनली हमें परमिशन दे दी कि आप लगाओ, लेकिन एक ही कलर का लगाओ, लेकिन लगाओ। लेकिन कल तक ये हमें परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे कि आप अबाया लगाओ। ये बोल रहे थे अगर आपको अबाया लगाना है तो आप किसी दरगाह में जाओ, यहाँ पे मत आओ। आप लोग हमें क्या पता आप लोग अबाया के नीचे क्या क्या करते हो, आप लोग को हेडफोन्स लगा के होते हैं वगैरह लगा के होते हैं। ये हमें कल तक परमिशन नहीं दे रहे थे कि आप अबाया लगाओ, लेकिन आप दे दी जब पुलिस वगैरह आए अंदर तो दे दी। आप बताइए कल क्या हुआ था यहाँ? हमें बोला गया था कि आपको हम अबाया अलो नहीं करेंगे, आप लोग अबाया में स्कूल नहीं आ सकते हो, हम लोग आपको अबाया में देखते हैं तो हमारा माहौल ख़राब होता है, आप लोग अबाया में आते हो तो सब बच्चे फिर अबाया लगाना शुरू करते हैं, तो जो बेटर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हम अबाया के बगैर स्कूल आए, हम अबाया के बगैर। ये लोग ने इवन ये भी बोला कि अगर आप लोग को अबाया ही लगाना था तो आप लोग को स्कूल नहीं, आप लोग को दरगाह जाना चाहिए, अगर आपको समाज के साथ चलना है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, अबाया वगैरह छोड़ो, अबाया में नहीं आओ। मैम ने कल बोला जब मैं आप लोगों को अबाया में देखती हूँ मुझे बुरा लगता है। हमने बस इतना बोला कि हम अबाया के बगैर नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हायर सेकेंडरी को बॉयज़ बना, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं, तो हम लोग अबाया के बगैर नहीं रह सकते। हमें अबाया दे दो, हम अबाया में पढ़ने आ सकते हैं। कौन कहता है कि जो लड़की अबाया में होगी वो तैलीम हासिल नहीं कर सकती है? हम लोग भी तैलीम हासिल कर सकते हैं। अब इन लोगों ने बोला कि अब हम आप लोग को एक पर्टिकुलर कलर रखेंगे, सब बच्चों के लिए वही सब आप लोग लगाना, लेकिन इतना सब कल हमें मैम ने बोला कि नहीं आप लोग अबाया नहीं लगा सकते हो, आप लोग अबाया में देखते हम लोग को बुरा लगता है, हम पे हमारे कैरेक्टर पे भी बात उठी, हमसे हर एक ड्यूटी छीनी गई किस वजह से, क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। तो ये कहाँ पे है कि हम लोग अबाया लगाते हैं तो हमें कोई हक नहीं है? हमें क्या कोई हक नहीं है? हमें पढ़ने का हक नहीं है? कौन कहता है कि जो लड़की अबाया लगाती है वो पढ़ नहीं सकती? तो हमारे पास इतना था कि हमें अबाया दे दो, हम अबाया में ही स्कूल आएंगे, हम अबाया के बगैर स्कूल नहीं आ सकते। बताइए आपको कल क्या स्कूल से अंदर आने दिया था? कल हाँ हमें आने दिया था, लेकिन जब हमारी फर्स्ट क्लास थी, हमें फर्स्ट क्लास में बुलाया गया ऑफिस में, तो ऐसी ऐसी बातें बोली, आप दरगाह जाओ फिर अगर आपको अबाया लगाना था, या तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ। मुझे बोला चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल से ही चलता है ना, गवर्नमेंट के ही रूल्स होते हैं, हमें क्यों नहीं अबाया लगाने देंगे? आप गवर्नमेंट स्कूल देखिए, वहाँ पर अबाया नहीं लगाते हैं, हमें क्यों नहीं लगाने देंगे? हमें बोला कि हमें बुरा लगता है कि जब भी हम आपको अबाया में देखते हैं आप असेंबली में मत आओ, हम आप उस एक्टिविटीज़ में मत जाओ। क्यों नहीं जाएंगे? हम पर्दा करते हैं, इसीलिए हम अपना लिबास कैसे उतार सकते हैं? ये हमारा लिबास है। मैम बात बात पर बोलती है मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, मुझे अबाया नहीं लगा के है, इसका मतलब ये है कि मैं जलील हूँ? तो हम जलील हैं फिर हम अबाया लगाते हैं? हमारे कैरेक्टर पे हाथ उठाया, मैम ने बोला कि आप हमें पता नहीं आप ऐसे क्या करते हो, इनका इनको कौन सा प्रूफ है कि हम अबाया में कुछ गलत करते हैं? तो फिलहाल क्या टीचर्स की तरफ से आपको कोई एश्योरेंस मिला या प्रिंसिपल की तरफ? हाँ, आज हम लोग जब सुबह स्कूल आए थे तो हमने पेरेंट्स गए थे अंदर बात करने के, तो उन्होंने तब भी बोला था कि हम लोग अबाया अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद मीडिया आई तो मसला हाई हुआ, प्रिंसिपल मैम से बात की गई, और अभी हमें मैम ने अंदर बुलाया और उन्होंने हमें बोला कि अबाया का बेसिकली कलर देंगे, एक पैटर्न देंगे और वो सब लोग फॉलो करेंगे और अबाया को अब इंक्लूड कर देंगे। हमारे आजकल बच्चे आते हैं फिफ्थ के, सिक्स के, सेवन्थ के, एट्थ के, नाइन्थ के, टेंथ के, इवन मैंने फिर लास्ट ईयर टेंथ को भी अलाउ किया कि अगर आपकी जिसकी मर्जी है अबाया पहन के आ जाए तो आ जाए,
जिसकी नहीं है उसके लिए फोर्स नहीं है जी। हमारी यूनिफॉर्म क्या है, हमारी है यूनिफॉर्म वाइट कमीज सलवार बच्चियों को और ऊपर से हिजाब, हम वो हमने कंपलसरी रखा है हिजाब सबके लिए। मतलब किसी को अगर सर ढकना है तो हिजाब से ढके, अगर किसी को नहीं ढकना है तो वो भी उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको ढकना है। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, कौन अपने बच्चे को कहेगा कि सर ढक के जाओ, कौन कहेगा मत जाओ। अब जो सर ढक के आएगा उसको नेसेसरी हिजाब पहन के आना है वाइट। Now they have been told that there will be a particular color and they will be allowed with hijab but with the proper coloring, and now the students are happy that after the intervention of the government and the police that they were able to now resolve this matter. With Virjan Bashir Loan, Ishanwani for CNN News 18.